अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल अंजुम्स माशाल्लाह रेसिपीज़। मेरा नाम है अंजुम खादिम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में हम आलू कीमे को बहुत ही कम वक्त में आसानी से बनाना सीखेंगे, तो फिर चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। आलू कीमा बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम कीमा लिया है, एक चम्मच ज़ीरा पाउडर, दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक, दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, डेढ़ चम्मच गरम मसाला, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, चार प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, तीन आलू और तीन टमाटर को भी बारीक काट लिया है। सबसे पहले कुकर में हम कीमा डाल देंगे, उसी के साथ हम इसमें प्याज डालेंगे, टमाटर भी डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और नमक। थोड़ा सा तेल भी डाल देंगे, मैं इधर दो प्याली पे तेल डाल रही हूँ, मतलब तकरीबन चार चम्मच। इन सबको हम कीमे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें एक कप पानी डालेंगे, हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है। अब मैं कुकर का ढक्कन लगा लूँगी और हमें गैस का फ्लेम तेज़ रखना है और तेज़ आंच पर हमें कुकर की तकरीबन पाँच सीटी लेनी है। पहले कुकर की पाँच सीटी हो चुकी है और पकड़ की मदद से मैं इस तरह से कुकर की तमाम भाप रिलीज़ करूँगी। कुकर का ढक्कन हम खोल लेंगे। कुकर की पाँच सीटी होने के बाद हम कीमे में आलू ऐड कर लेंगे, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू को कीमे में। अभी इस स्टेज पर मैं इसमें आधा ग्लास पानी भी शामिल कर लूँगी और कुकर का ढक्कन मैं लगा लूँगी। मैं तीन सीटी और लूँगी कुकर की ताकि आलू और कीमा दोनों अच्छे से गल जाए। कुकर की तीन सीटी हो चुकी है, आलू और कीमा हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे और कीमे को अब हम खुला ही पकाएंगे ताकि इसका पानी पूरी तरह सूख जाए, हमें ढक्कन नहीं लगाना है। ये देखिए कीमे का पानी सूख चुका है, यह आलू कीमा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे करूँगी डिश आउट। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये आलू कीमे की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इंतज़ार किस बात का, जाइए पकाइए और खाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।